एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें हम चल रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैंने यहां पर आपको वन टाइप की केमिकल रिएक्शंस करा दी, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी जिनमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग बॉन्ड क्लेवेज ऑफ ओएच बॉन्ड, जिनमें हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। और अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ सी बॉन्ड ओएच। अब हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मेरा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो भाई, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, जैसे कि मैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं, ठीक है, आर सी ओ एच। ठीक है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एच आयन की प्रेजेंस में मैं हीट कर रहा हूं। ठीक है, एच आयन की प्रेजेंस में मैं ये इसे हीट कर रहा हूं, या फिर एक काम कर लें P2O5। ठीक है, P2O5 की प्रेजेंस में आप लोग हीट कर दें, ठीक है, या तो इसकी प्रेजेंस में हीट कर दें या इसकी प्रेजेंस में हीट कर दें, तब देखिएगा यहां से क्या निकले, क्या निकलेगा। देखो यहां से ये H2O बाहर निकल जाएगा, तो देखो यहां पर जो ये वाली ऑक्सीजन है, पहली वाली ऑक्सीजन, ये तो डबल बॉन्ड O, और हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया सी बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां से भाई OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहां पर H2O बाहर हो जाएगा, तो RCO का होल ट्वाइस, और ये ऑक्सीजन ये रहेगा प्लस का H2O। ठीक है, तो ये आपका क्या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद माय सेकेंड हेडिंग इज एस्ट्रिफिकेशन। ओके, एस्ट्रिफिकेशन, हाँ, यहां पर एस्ट्रिफिकेशन, थोड़ा मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन भी साफ कर दिया है। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन देखिएगा, एस्ट्रिफिकेशन, देखो एस्ट्रिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल के साथ R-OH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एच आयन। देखो यहां से हमारा OH और यहां से H, ये हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, OH यहां से H, यहां से H2O, OR- यहां पर आ जाएगा, RCOOR- प्लस का H2O। क्लियर, अब देखो ये केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे हुई, आप लोग यहां पर इसकी मैकेनिज्म को पढ़ोगे। ठीक है, देखो एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, देखो मैकेनिज्म R C डबल बॉन्ड OH, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखिएगा एसिड की प्रेजेंस में, देखो यहां पर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास सी एच आयन आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एच पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, यार देखो यहां पर भी टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये लो अभी मैंने इसे ऐसे शो कर दिया है, ये टू इलेक्ट्रॉन एच प्लस का आयन। अब देखिएगा अब क्या होगा,
ठीक है। अब यहां पर एच आयन चला गया, अब ये एच आयन इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बनाएगा ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इस बात को आप लोग जानते हो। तो यहां से ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर और यहां से ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच जाएगा। देखो यहां पर अभी इन दो बॉन्ड से ऑक्सीजन की वैलेंसी शो हो रही है ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो भी वन वैलेंसी साइड से, वन वैलेंसी साइड से, तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होना स्वाभाविक है, क्योंकि वी नो दैट वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, हाँ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है। तो देखिएगा इसके बाद क्या बनेगा, देखो जैसे यहां पर तो आर सी, देखो हाँ भाई इस हाइड्रोजन को इन दो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ओ एच, क्यों यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, एच एन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, एच एन क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन यहां से कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, कार्बन पर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन देखिएगा ऑक्सीजन एच। अब यहां पर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाकर यहां पर क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा ठीक है, तब आपके इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा राइट। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके साथ साथ ठीक है, अब इसके साथ साथ एक्चुअली मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया ठीक है, लेकिन हम एसपीपीएसएन कर रहे हैं, मैं सीएक्शन को बोलकर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने के लिए स्टार्ट हो गया, लेकिन कोई नहीं मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। देखो यहां पर ये एक्चुअली अभी मैं यहां पर हां, तो यहां पर जब एच एन पहुंचा, अब इस कार्बन पर भाई ऑक्सीजन, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, जैसे कि आर सी ओ एच और आपका ये ओ एच ठीक है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत ले जाइएगा। अब देखो कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी ऑफ कार्बन आप लोग 4 समझते हो, देखो ये अब किसके साथ, एल्कोहल के साथ आर डैश OH. यहां पर आपके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो देखो ये ऑक्सीजन ये आ गई ठीक है, R डैश ये आ गया, H ये आ गया, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, भाई इस बॉन्ड के थ्रू कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये क्या हो गया कार्बन न्यूट्रल हो गया राइट, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऑक्सीजन पर जाएंगे, तो यहां से क्या निकलेगा आपका एच एन, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल, तो ये प्रोटॉन जब यहां से एच एन निकलेगा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटोन ट्रांसफर, देखिएगा प्रोटोन ट्रांसफर, हां प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, देखो आर सी ओ एच, ओ एच देखो ये बॉन्ड ओ आर एस, देखिएगा एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए ठीक है भाई, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, वो बात रह गई शो नहीं कराइए तो मत शो करो, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए ऑक्सीजन पर, जो कि इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब है इसके पास ऑलरेडी पहले से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इस ऑक्सीजन के पास, ये लो तो बेटा यहां से एच आयन निकला, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गई अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, अब एच आयन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, देखो यहां पर ऑलरेडी ये हाइड्रोजन को मैंने ऐसे शो कर दिया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अब से ये एच आयन जो यहां से निकला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज राइट। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्लियर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकलेगा देखिएगा, हाँ जब यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकलेगा, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां से क्या बनेगा आर
सी, ध्यान से देखिएगा, देखो माइनस एच टू तो बाहर हो गया, कार्बन भाई कार्बन पर क्लोरीड चार्ज, जब कार्बन पर क्लोरीड चार्ज है इस पर क्या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। जब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच इसके बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस एच देखो कंडीशन क्या होगी, डबल बॉन्ड ओ एच, इस पर क्लोरीड चार्ज बॉन्ड ओ आर एस, ठीक है। ये एच टू यहां से बाहर हो गया, कार्बन पर क्लोरीड चार्ज, लेकिन इधर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने आकर ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो देखो ये अब यहां से फिर एक प्रोटोन बाहर हो जाएगा, जैसे पहले ये प्रोटोन हमारा क्या हुआ था, एड हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा माइनस एच आए, माइनस एच आए यहां से, और ये क्या बन जाएगा हमारा ईस्ट। जल्दी से आप लोग इस मैकेनिज्म को नोट करें, यस। देखो भाई कहीं कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने लग गया था, इससे आपको थोड़ा यानी डाउट हुआ होगा। देखो कहीं कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एच आयन जाकर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, ये चला गया। अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो ए पेयर ऑफ एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, तो यहां पर ये OH, एच आयन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा न्यूट्रल, लेकिन जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पर पहुंच गया तो ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अब ये ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, इस वजह से फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, एच आयन बाहर होगा, एच आयन यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलकर उसके बाद एच आयन बाहर हो जाता है, तो इस वजह से हमारा इसका बनता है। अब इसके बाद देखो रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, देखिएगा, यस। हाँ, इसमें मेरा ये थर्ड रिएक्शन है, देखिएगा रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl, देख कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl3 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ, ठीक है। SO थायोनिल क्लोराइड बेटा इसका नाम, थ्री क्लोरीन है, थ्री ले लो, थ्री हाँ थ्री RCOCl बन जाएंगे, देखो थ्री OH लेंगे P के साथ, प्लस POH का होल थ्राइस, ओके। ऐसी ये रिएक्शन, एक OH निकलेगा एक Cl आ जाएगा, RCOCl, एक क्लोरीन यहां पर, ये एच एक सीएल के साथ, प्लस एच सीएल, और इसके साथ साथ देखो यहां पर थ्री क्लोरीन बची, वन फॉस्फोरस, वन ऑक्सीजन, POCl3 बनेगा, POCl, देखिएगा यहां पर एक क्लोरीन यहां पर OH की जगह आ जाएगी, RCOCl, बेटा बॉन्ड यही ब्रेक हो रहा है, ठीक है। देखो एक क्लोरीन यहां पर आ गई, एक एच के साथ एक सीएल, प्लस एच सी एल, प्लस SO2 गैसों से बाहर निकलेगी। जल्दी से नोट करें केमिकल रिएक्शंस को, इसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, देखिएगा रिएक्शन विद अमोनिया नंबर फोर, रिएक्शन विद अमोनिया, हां रिएक्शन विद अमोनिया, देखिएगा नंबर फोर रिएक्शन विद अमोनिया, हां कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे। जैसे चलो मैं पहले एसिडिक एसिड लेता हूं, CH3COH की रिएक्शन भाई NH3 के साथ, देखो यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये अमोनियम आयन बन जाएगा, CH3COO एसिटेट और अमोनियम आयन NH4+, नाम इसका अमोनियम एसिटेट,
अमोनियम एसीटेट। अब इस अमोनियम एसीटेट को मैं क्या करूंगा, यहां से हीट करूंगा, ठीक है। हीट करने पर देखो, हीट करने पर दो हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा माइनस एच टू ओ, बनेगा क्या CH3। बेटा पहली ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड से होती है, चलो मैं थोड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना दूं। देखो दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन के साथ H2O, बन गया आपका एसिटामाइड, 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 ठीक है, एसिटामाइड। इसके बाद ACTA, एसिटामाइड। इसके बाद यदि मैं बेंजोइक एसिड लूं, देखिएगा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, हाँ थोड़ा ऊपर करके लेता हूं, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, क्यों अभी मुझे एक बड़ी रिएक्शन और लिखनी है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, हाँ NH3 के साथ बनेगा अमोनियम बेंजोएट, ठीक है, अमोनियम बेंजोएट NH4+, ठीक है, माइनस, नाम इसका अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट, और इसे हीट करने पर H2 निकल जाएगा, बन जाएगा बेंजामाइड, बेंजामाइड, सीडल बॉन्डो NH2+ का H2, बेंजामाइड, बेंजामाइड, राइट। आप देखिएगा मैं और दूसरी एक रिएक्शन और यहां पर, बड़ी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, मैंने एक यहां पर यानी बेंजीन इनसे टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप कनेक्ट, यानी बेंजीन डैश 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NH3 के साथ, बेटा टू मॉलिक्यूल, क्यों, एक NH3 यहां पर, एक NH3 यहां पर, राइट। तो कंपाउंड क्या बनेगा, हाँ देखो सी पहली ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से, चलो मैं ऐसे शो कर देता हूं, ठीक है, ओ NH4-+, सेम ऐसे यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ NH4+-, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड को, ठीक है, इस कंपाउंड को देखा भाई, देखिएगा इसका नाम है अमोनियम थेलेट, अमोनियम, अमोनियम थेलेट। अब इसे हीट करने पर माइनस टू एच टू ओ, एक एच टू यहां से, एक एच टू यहां से, तो बनेगा देखिएगा अमोनियम थेलेट, ठीक है, एक एच टू यहां से निकलेगा, एक एच टू यहां से, दो मोलिक्यूल हम वोटर के निकालेंगे, ओके, तो देखिएगा कंपाउंड बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, राइट, यह थैलेमाइड, THELEMIDE, थैलेमाइड। अब इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर देखो NH3 निकल जाएगा, माइनस NH3, माइनस NH3, देखो यहां पर NH3 निकल जाएगा, एक N बचेगा, एक H बचेगा, C डॉल बॉन्ड O, देखो N, ध्यान से देखिएगा NH3 निकल गया, एक N से दोनों कार्बन और एक हाइड्रोजन आयन के पास, इसका नाम है थैलेमाइड, इसका नाम है थैलेमाइड, पीएच साइलेंट रहता है, पीएच PHALIMID, ठीक है, ये थैलेमाइड, थैलेमाइड, ये थैलेमाइड, ओके। जल्दी से आप इन केमिकल रिएक्शंस को नोट कीजिएगा, हाँ। अब इसके बाद चलेगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग बॉन्ड COOH ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखो, अब ये केमिकल रिएक्शन चलेगी,
जिनमें ये ग्रुप यूज होगा, इन्वॉल्व होगा, COOH। तो यहां पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बॉन्ड COOH ग्रुप, जिनमें ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिनमें ये ग्रुप इन्वॉल्व होगा। सबसे पहली बात रिडक्शन, देखो रिडक्शन, रिडक्शन आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, या सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर की प्रेजेंस में, और चाहो तो B2H6 ले लो, चाहो तो येलो रिड्यूसिंग एजेंट या B2H6 ले लो डाइबोरेन, और हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में HCO+, यहां पर ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH, राइट। तो रिडक्शन, एक है यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी, डी कार्बोक्सिलेशन देखना, डी कार्बोक्सिलेशन में आप सभी जानते हो RCOOH सोडा लाइन के साथ प्लस NaOH और CaO, इन दोनों का मिक्सचर सोडा लाइन है, सोडा लाइन। देखो ये बाहर हो जाएगा, H यहां पर R के साथ एल्केन बन जाएगा प्लस N। देखो ये सोडियम सोल्ट लेते हैं, सॉरी सोडियम सोल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड Na2CO3 बाहर हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका ये एल्केन बन गया। जल्दी से आप इन रिएक्शंस को नोट करें। हां बी फास्ट, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट। ओके देखो ये इस टाइप रिएक्शन होगी, और इस अब होंगी हम इसमें इस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, हां अब यहां पर देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो R है एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें केवल क्या है आपके हाइड्रोजन और कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में आप लोग करोगे हाल वोल हार्ड जिलिंग की रिएक्शन, ठीक है। तीन साइंटिस्ट है, हाल वोल हार्ड जिलिंकी रिएक्शन, हाल वोल हार्ड जिलिंकी, ZELINSKY, हाल वोल हार्ड जिलिंकी रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है, वेरी मोस्ट, ठीक है। देखिएगा यहां पर जैसे RCH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, COH ग्रुप आ रहा है। अब यहां पर मैं हैलोजन का सब्सटिट्यूशन कराऊंगा, और ये जो हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। देखिएगा ये हैलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में COOH, देखो ये दूसरा वॉटर के साथ सेकेंड स्टेप में वॉटर H2O, ठीक है। देखो ये हैलोजन यहां पर आ जाएगा RCH हैलोजन COOH, और यहां पर H2 क्या है, H2 आपका CR2 और BR2, क्लियर, CR2 और BR2।
जल्दी से आप लोग इस केमिकल रिएक्शन को नोट करें। इसके बाद यहां पर केवल ए रिएक्शन बचती है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? बी फास्ट। इसके बाद रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हां रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग देखिएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसमें, सेकेंड रिएक्शन रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखना, जैसे कि मैं यहां पर रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने ये बेंजोइक एसिड ले लिया COOH, ठीक है। मैं नाइट्रेशन करा रहा हूं HNO3, राइट। देखो ये और HNO3, ये बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। देखो देखो, आपके जो इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने वाले, तो यहां पर आपके मेटा प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो मेटा पोजिशन से हाइड्रोजन बाहर होगी, वहां से ये OH माइनस का H। एनोटो ग्रुप मेटा पोजिशन पर बन जाएगा आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। मेटा नाइट्रो एनो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, राइट। हैलोजनेशन करा लो, ठीक है। जैसे मैं बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ठीक है, Br2 के साथ, Br2 किसमें लूंगा, FeBr3 में, ठीक है। Br2 किसमें लूंगा, FeBr3 में, यहां से H एक Br माइनस HBr, Br मेटा पोजिशन पर आ जाएगा। देखो ये COOH और Br, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ओके। जल्दी से नोट करें केमिकल रिएक्शंस को। बेटा यहां पर मेरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं, क्यों मैक्सिमम तो मेरे नोट्स में आ गए, ओके। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग जून क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियर। बस मैं मात्र फुल एक्सरसाइज को बस एक से दो क्लास ओनली, ज्यादा नहीं इससे बोलूंगा, ओके ओके क्लास।